आज हम खाएंगे गोला गंडा फलूदा। जितने तुम्हें रंग बिरंगे नीले पीले बाल करवाने का शौक है ना, उससे ऊपर अपने बाल चेक करो। कट लग चुके हैं मेरे यार। वन एंड ओनली दना नीर ने, और वो मामा के साथ खूब चिट चैट कर रही है। हाँ, ये तो मानो लग ही नहीं रही घरेलू मानो। मेरा जो है वो इंटरव्यू हो गया यार। ये क्रू के लोग कितने अच्छे आपस में शुगल मेला लगाते हैं। शारी कढ़ाई आई है, ठीक है। और जैनब कहाँ है पता नहीं, मुझे तो ऊपर गई। वेलकम टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। यार कल जो था मैंने आपको कहा था कि आज बताऊंगी आज क्या है। आज मेरा और जैनब का जो है ना वो इंटरव्यू है टीवी चैनल पे, जो है वो आएगा। हमें नहीं पता फिलहाल कि हमारी होस्ट कौन है, ये तो हमें जाकर पता चलेगा। और इंटरव्यू में वो क्या क्या पूछते हैं, अभी हम लोगों ने अपनी अच्छी अच्छी लुक्स बनानी है, जाकर रेडी शेडी होंगे, वो सब आपको दिखाएंगे। और जैनब का जो है ना माशाल्लाह से पहला इंटरव्यू है। हाँ जी जैनब, फिर पहला इंटरव्यू है तो क्या फीलिंग है आपकी? एक मैं जब छोटा सा था तब मैंने दिया था, लेकिन वो बड़ा नॉर्मल सा इंटरव्यू था। अब देखना मेरा इंटरव्यू, वो सबने देखा हुआ है। जन्म 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 छोड़ दिया इस इंटरव्यू में, तूने से सिंगिंग की ना जैनब? अरे जूता मारना तुझे, क्या पता वो जान के कहे दोबारा से सिंगिंग करे। हम कहे गेट सम हेल्प। नहीं सिंगिंग नहीं करनी। और मामा जो है यहाँ पे रेडी हो गई है। मामा को हम अपने साथ लेकर आए हैं इंटरव्यू बैठ के देखना है कि ये क्या बोल रही है। हाँ, हम जो है दोनों अकेली थी और इस तरह हम अकेले जो है कराची ऑल अलोन आ नहीं सकते थे, तो हम मामा को अपने साथ लेकर आए हैं। अब जो है हम निकलते हैं, नीचे हमारी गाड़ी वेट कर रही है। अभी तक मैंने कराची का नाश्ता तक टेस्ट नहीं किया कि कैसे मजे का नाश्ता होता है। मामा कह रही है जल्दी जल्दी सब पकड़ लो, कुछ रह ना जाए। जैनब फोन छोड़ दो, चार्जर पकड़ लो, वहाँ से मेकअप का बैग पकड़ो, हर चीज पकड़ो और चलो। कमरा जो है ना हम इस तरह से पूरा गंदा और मैसी छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ना यहाँ पे लगाया हुआ है मेकअप रूम। वाह जी वाह, कमरा साफ करने को मेकअप कहते हैं, ये तो मुझे आज पता चला। अभी कमरे का मेकअप होगा, तूने मेकअप कर लिया है ना, अब कमरे का मेकअप होगा। मामा उनको कहते हैं कमरे मेकअप कर दे, ठीक है। कीज पकड़े और चले इस शॉपर में, जो है ना हमारे कपड़े हैं, ये ना बस हम भूल जाएं, जिससे जाके हमने रेडी होना है और इंटरव्यू पे जो है हमने कपड़े पहनने हैं। नहीं रह गया, बस चले अब लेट हो रहा है, नाश्ता भी कोई अच्छा सा करेंगे यार। चलो भूखे पे लेट्स गो। मामा बोल रही है कि लिफ्ट से चलो, बट मैं कह रही हूं नहीं, मैं लाल लाल तो करनी है ना, मेरे हर व्लॉग में लाल लाल लाल। आप लोग लिफ्ट से आ जाए, मैं सीढ़ियों से आऊंगी, क्योंकि मेरी लाल लाल बनती है। लाल 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 लाल। चलो अब लाल लाल हो गया, वापस करा रही हूं मैं लिफ्ट से जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, अब आप लोग लिफ्ट से जाएं और मैं जो है फिर आपके साथ ही लिफ्ट में जाऊंगी। लाल लाल मैंने कर लिया। मेरी तो समझ से बाहर है, ये होटल वाले मेरी मम्मा कब से बन गए यार, इन्होंने सोफों के ऊपर व्हाइट व्हाइट चार चढ़ा दिए, ये तो मामा काम करती हैं। आज मुझे होटल वालों के अंदर भी अपनी माँ की रूह नजर आ रही है। फाइनली गाड़ी हमारी ये रही, बैठे जैनब, मैं सेंटर में बैठूंगी क्योंकि मैं जो है सेंटर का बच्चा हूँ, मेरे से दो बड़ी हैं दो छोटी हैं, इसलिए गाड़ी में भी जो है मैं ही सेंटर में बैठूंगी। सेंटर का चक्कर छोड़ के जैनब आगे बैठ चुकी है और मामा पीछे, और मैं मामा के साथ। अब बस शूटर शू चलते हैं, ये हमें कोई चोर भी नहीं चोरी करेगा क्योंकि ब्लाइंडर लगे हुए हैं, उसे क्या पता कि हमारे पास फोन है कि नहीं। मामा की यहाँ पे निंजा टेक्निक चेक करें, पानी की बोतल में यहीं पे जो है ना कैल्शियम की टेबलेट डाल के तो पी रही है, यही मामा के पास गिलास नहीं तो यही जुगाड़ सही, ये जुगाड़ू बनी हुई है मम्मी। इसको हम इस तरह शेक करेंगे और ये एक अच्छा ड्रिंक बन गया, अब आप ये पी सकती हैं। फाइनली हम लोग ये न्यूज चैनल है या पता नहीं एंटरटेनमेंट चैनल है, इधर पहुंच चुके हैं। जैनब अच्छा सा पार्किंग में इंटरव्यू देना है, मामा आप भी चले, हम मेकअप शेकअप करवाते हैं और इन्हीं को बोलते हैं हमें थोड़ा सा नाश्ता यार। हम लोग मेकअप रूम में पहुंच चुके हैं, ये हमारा मेकअप रूम है, यहाँ पे जो है मेरा मेकअप होना स्टार्ट होगा। मामा और जैनब अभी वेट करेंगी, मेरे बाद जैनब की मेकअप की बारी आएगी। जैनब अपने ऊपर देखो, इतने सारे बाल, जितना जैनब को गंजे होने का शौक है ना उतना ही जैनब के जो है ऊपर, जितने तुम्हें रंग बिरंगे नीले पीले बाल करवाने का शौक है ना उससे ऊपर अपने बाल चेक करो, लगा सकती हो अगर एक लगवाना। जैनब ने कहा ना इंटरव्यू से पहले मैं स्पेशल जो है नीले बाल करवा के आऊंगी, अभी मुझे ब्राउन लगा देगी ये तो। नहीं नहीं यही रहेंगे तुम्हारे, ठीक है। Many minutes later. तो भाई फाइनली मेरा जो है वो मेकअप डन हो चुका है, मैंने सॉफ्ट सा मेकअप रखा था। और मामा कैसा लग रहा है मेरा मेकअप? प्यारा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे जैनब के जो है नीले बाल कलर, वो सॉरी ब्लो ड्रायर हो रहे हैं। इधर देखो मानो मेकअप हुआ है नहीं। मानो फुल बिजी है इस टाइम। हाँ ये तो मानो लग ही नहीं रही घरेलू मानो, आज तो जो है मानो भी फैंसी मानो लग रही है, घरेलू मानो क्रॉस और फैंसी मानो टिक। और ये जो है सबसे पहले नाश्ता तो नहीं, सबसे पहले हम ये पियेंगे कराची वाली कॉफी और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कराची क्या होता है क्योंकि यहाँ पे सब ऐसे कराची कराची करके बोलते हैं, हम कराची
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मेकअप हम दोनों का डन हो चुका है, अब जो है हम कपड़े वपड़े चेंज करने जा रहे हैं और ज़ैनब देख रही है कि यहाँ पे सारा जो है शूट होते हैं, सेटअप लगते हैं, न्यूज़ चैनल है ना इसलिए हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा है। सो गाइस अभी जो है मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे जो है ऊपर अभी सारा जो लाइट वाइट देख रहे हैं बैक कैमरा ये सब होती है। अभी जो है ना मेरा एक बहुत अच्छा सा इंटरव्यू हो चुका है, कैसा लगा? मुझे इतनी हंसी आई थी, मेरे आंसू लिटरली यहाँ पे बैठे। क्यों हंसी क्यों आई थी? मैम मैं तो नॉर्मल बोली थी, वो तुम्हें नहीं लग रहा। मामा आपको कैसा लगा? आपको यहाँ पानी पीने की पड़ी है, अच्छा था? सांस मुझे चढ़ गया इंटरव्यू। आपने मुझे पता है मामा ने अभी आपके साथ मुझे कहा तू इतनी रिलैक्स पड़ रही है तुझे कुछ नहीं आता, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे तो पूछ रहे तो मुझे आ रहा था कि मैं जवाब दे दूं। मेरी मामा का भी एक इंटरव्यू तो होना चाहिए ना, मामा आपका भी किसी दिन रखवाएंगे। जब आएगा फिर आप लोग भी जरूर देखें। अब तेरी बारी है, घर के कोई राज पोल खोल के आई ना, तो घर का निक्का पीस है, मैं यहीं से उठ के बाल खींचूंगी। ये हमारा सुबह का जो है वो दूसरा मील है, सैंडविचेस खा लो बेटा अपने सुबह से चाय और हाँ पहला ही मील है, हाँ सॉरी पहली मील जो थी वो कॉफी थी। आप लोग खाए पिए, उसके बाद मैं जरा गेम का सेशन कर लूँ, मैं इसके बाद खाऊंगी, लिपस्टिक मेकअप खराब हो जाएगा ना उसके बाद हम खाएंगे। सो गाइस फाइनली मेरा जो है वो इंटरव्यू हो गया, मैंने कुछ भी बोल दिया था, बस कुछ ही दिनों बाद जाके जो है वो ऑन एयर होगा, यूट्यूब पे ही होगा मेरा ख्याल है। आपने जाके जरूर देखना और कमेंट्स जरूर करने हैं यार, मतलब जो मेरे व्लॉग में लव दिखाते हैं उधर जाके भी दिखा देना। ये दो कैमरास को जो है ना मैं जवाब दे हो रही थी, इसको और इसको, मेरे हाथों की रिंग्स ज़ैनब को इतनी अच्छी लग गई है, किसने ये पहननी है? मुझे रिंग्स चाहिए। अपनी घर से लेकर आनी थी ना ये हीरा की रिंग्स है जो मैं चुरा के लेकर आई हूँ, अब इसने अपना इंटरव्यू देना है और इसने पहननी है, अच्छा सा देना बेटे ठीक है, ये लो। इतनी देर हील्स पहनने के बाद ना माशाल्लाह से पैरों पे कट लग चुके हैं मेरे, यार मेरे बेचारे मासूम पैर। हील्स जो है मामा को वापस कर देते हैं, हम ये घर से शॉपर लेकर आए थे, मामा इसमें डाल दें वापस जूते, और ज़ैनब को इधर जो है ना वो ज्वेलरी झुमके की पड़ी हुई है, कुछ अच्छा सा पहन लूं। फाइनली जो मज़ा फ्लैट्स में है वो मज़ा किसी चीज़ में नहीं है, अब आई एम ओके। यहाँ पे जो सेट से फ्री होने के बाद थोड़ी देर के ब्रेक में ही अपना शुगल मेला इनका चलता है, इतना भाई साहब आपने इतना अच्छा गाना गाया कराची के लोगों में, यार आवाज़ ही बड़ी अच्छी है यार, बहुत अच्छा गाना गाया आपने। खुशी कौन है? खुशी कौन है? खुशी खुशी गाना गाएगी जो है वो अब YouTube पर आएगी। अच्छा सा गाना गाओ, खुशी बेहतरीन सा तेरे नाल मलाया तेरे नाल तुलाया मैं हूँ मन मौज पिया कैसे किया तेरा मन मार समझा दिया। बाद में पता लगे क्यों भी मुझे कॉपीराइट भेज दे, यूट्यूब पे पूरा मेरा ही गाना चला दिया। इनके पास एक और टैलेंट भी है, वो है बयान, जो कि लफ्जों में बयान नहीं हो सकते। हाँ जी बयान भाई गाल है यार, इनका नाम पीटर है और वो उनको ट्रोल कर रहे हैं, ये मैंने अक्सर मीम्स में देखा है। ब्राइट करेंगे यार, क्रू के लोग कितने अच्छे हैं, आपस में शुगल मेला लगाते हैं, काम से फ्री होंगे। शॉर्ट ब्रेक चल रही है, गाना चल रहा है लेकिन वहाँ पे जो है रोस्टिंग ही रुकेगी। भाई ने भी लाइट दी है। क्या होगा यहाँ पे, फ्लैश लाइट चला के पूरी उन्होंने वाइब बना ली है। मेंबर्स बैठ के अपना यहाँ पे इनका शुगल मेला चल रहा है सबका। खुशी, खुशी।
जैनब का जो है अभी इंटरव्यू स्टार्ट होना है और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले थोड़ी सी कॉफी पी थी, अब जो है मामा ने फिर से जो है मुझे यहाँ पे कॉफी दे दी है, पी लेती हूँ यार थोड़ी सी। यहाँ के आ रहा है ना मेरा पराठा? हाँ, बहुत पराठा अचार और चाय आपकी बहुत याद आ रही है मुझे कराची आके। और दूसरी बात, जब से मैं कराची आई हूँ सिर्फ दो खाने खाए हैं, वैसे तो मैंने सुना है कराची के खाने बहुत ही कोई हिट किस्म के हैं, लेकिन थोड़े ही खाने खाए हैं जब से कराची आई हूँ, बट यहाँ से फ्री होके। हाँ, वक्त ही नहीं है, वक्त ही नहीं है, वो टाइम आ गया हमारे ऊपर, हर चीज़ है लेकिन वक्त ही नहीं है। तो यहाँ से फ्री होके फिर जो है हम थोड़ा खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर एक और शूट है वहाँ पे जाएंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जो आज का हमारा इंटरव्यू था वो लिया है वन एंड ओनली दना नीर ने, और वो मामा के साथ खूब चिट चैट कर रही है। क्या पूछ रही थी आप? मैं आंटी से ये पूछ रही थी कि उन्होंने कराची में कुछ देखा है, कुछ खाया पिया है, या आप लोगों के साथ ही बिजी है? कराची की नहीं हो ना आप, तो इस्लामाबाद की हो, है ना? मैं बेसिकली पेशावर की हूँ बट मैं रहती इस्लामाबाद। अच्छा, कराची में, मतलब कराची में सिर्फ शूट्स के लिए आते हो? जी। मामा से वो पूछ रही है कि आंटी आप कैसे बच्चियों को मैनेज करती हैं इतना, मामा बताएं अब आप कंफ्यूज क्यों हैं इधर? आंटी को बाहर लेके जाओ, खाना शाना खिलाओ, कोई चलो मुझे कोई अच्छी जगह बताओ जो कराची में हम लेके जा सकते हैं मामा को। यूशिकुर, जैंडर्स एंड कोलेट एंड प्राहा, ये तीनों बहुत अच्छी है, ये बहुत मजे का कराची का खाना है। इफ नॉट दैट, अगर देसी खाना है तो गो टू बंस रोड एंड गो टू बोट बेसन, वहाँ पे वो अंदरून है क्या? क्या बोला तूने? अंदरून नहीं है, बोट बेसन इज क्लोज बाय, वो क्लिफ्टन में है, वो यहाँ से 15 मिनट दूर है। अच्छा, और जो बंस रोड है वो थोड़ा सा दूर है, बट वहाँ पे आपको सारे स्ट्रीट फूड मिलेगा, देसी मतलब बिरयानी और निहारी और ये सारा। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर दना नीर ने हमें पूरी कराची की जो है वो डेफिनेशन सुना दी है, टंग 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 टंग, पता चल रहा है खूब देर से कराची में रहे। अच्छा, तो कुछ भी नहीं, ये तो एक न्यूबी है, नूब नूब, ये भी एक स्लैंग है। मतलब मैं सिर्फ कराची खाने के लिए होती हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा मोटिवेशन कराची की इज बिकॉज़ ऑफ फूड। फूड, मामा इसीलिए आई, मामा मेरी फर्स्ट टाइम कराची आई है, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई, सिर्फ हमारी बेटियों के साथ आई है। मजे का कराची का टूर देना है मामा, ठीक है, अब आपको अच्छा सा खाना खिलाऊंगी, डन। और जैनब का जो है ना वो अभी इंटरव्यू चल रहा है, और जैनब ने अभी कहा है कि उसकी फेवरेट बहन राबिया है, इसको घर जाके पूछूंगी। यहाँ जो है नेक्स्ट जैनब का गेम सेगमेंट है, तो उसके लिए BTS हो रहा है, इतने ज्यादा लोग जो है ना ऑफ कैमरा खड़े होते हैं सिर्फ फ्रंट का शूट करने के लिए। मामा यहाँ पे बैठ गई हैं, फुल थक चुकी हैं, मामा कह रही हैं मेनू किस कम में ले आई हैं, आज मेरा तो इंटरव्यू नहीं है। फाइनली यहाँ से हो गया पैकअप, एक शूट हमने कर लिया, अब दूसरे शूट की लोकेशन पे जा रहे हैं, या एक दिन में हो गए यहाँ पे कराची में दो दो शूट, अब जो है ना हम जा रहे हैं अपने सेकंड लोकेशन पे। और कराची की दूसरी बात बहुत अच्छी है यार, यहाँ पे ना 24 घंटे हवा ही चलती रहती है, जो लेकिन व्लॉगर्स के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि कैमरा में हवा आएगी तो मेरी साउंड आएगी नहीं। मामा जैनब कहाँ है? पता नहीं, मुझे तो ऊपर गई, उसका काम है कहीं पे भी आना और यहाँ कराकर घूम जाना, उसको बुलाएं आगे जाना, टाइम लेट हो रहा है, अगले शूट पे भी निकलना है यार, मतलब एक दिन में आज दो दो शूट कर लिए, वहाँ से पैकअप कर लिया है, और मामा जो है यहाँ पे उड़ी पड़ी है पूरी, बैग मामा ने हाथों में पकड़े हुए, मामा कह रही आज मैंने कार ले जा, मुझे जाना है। पार्किंग में अब गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं कोई कराची की जगह, गुलिस्तान जौहर, हाँ यही बता रही थी, उस जगह हमने जाना है। ये पता नहीं कौन सी जगह थी, इस जगह का नाम क्या था? लोरंगी, ये क्या है? कोरंगी, ओके कोरंगी आए हैं हम। A few moments later. Finally, हम लोग जो है कराची के गुलिस्ताने जौहर में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हमने एक वीडियो शूट की है जिसमें जो है हमने ग्रोसरी वाला था, और महनूर भी हमें यहाँ पे मिल गए। कैसी हो? ठीक ठाक, फिट फाट। बस इसके बाद शूट वूट डन हो गया यहाँ पे भी, अब जो है हम चलते हैं खाना खाने, और वो आज अच्छी जगह पे लेके जाना है, सही है, फुल मजे का, ताकि कराची का खाना खा सके। सो लेट्स गो। मैं इधर इस मार्ट की प्रमोशन करने आई थी, और मामा ने जो है यहाँ पे पूरा अपना टोकरा भर लिया है प्लेटें, और यहाँ से कराची से मामा ने कहा कुछ ना कुछ तो लेके ही जाऊँ, ठीक है, कराची की शॉपिंग भी, हाँ अच्छी है, चलें अब रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, खाना भी कुछ खाना है, चलें मामा चलें जल्दी करेंगे, जूता भी अपने लिए, ये किसके लिए पिंक जूता लिया? अपने लिए, चलें। और यहाँ पे जैनब जो है फूड कोर्ट में बैठी हुई, साथ में जो है कुछ रेड कलर का पी रही है, व्हाट इज दिस, बहन को भी दे दो, छोड़ो उठो अब चलें खाना खाने, उठो उठो उठो, तबीयत खराब हो रही है, सुना है, चक्कर आ रहे हैं, उठ जाओ चलो जल्दी 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 जल्दी,
इतना रास्ता तय करने के बाद हम फिर किसी कराची की एक जगह पर आए, मैं इसका नहीं मुझे पता, लेकिन यहाँ वो कह रही है कि खाना बड़ा अच्छा मिलता है, तो यहाँ से खाना वाना खाते हैं। खाने का इतनी देर वेट करने के बाद सबसे पहले हमारे आए हैं सालसा विंग्स, और ज़ैनब यहाँ पे सो रही है, मानो तेरे आ गए, सालसा विंग्स खा ले, बहुत भूख लग रही थी, मैंने सुबह का कुछ खाना नहीं खाया, सिर्फ कॉफ़ी पी है दैट्स इट। और अभी ज़ैनब से थोड़ा सा हम सालसा विंग्स ट्राई करेंगे। हमारी सही डाइटिंग हो रही है कराची। हाँ, और ये हमारी मज़ेदार सी कराची की जो है ना अचारी कढ़ाई आई है, ठीक है, और ये जो है ना बारबेक्यू प्लेटर है, क्या मज़े की खुशबू है, अब इन खानों को टेस्ट करते हैं भाई। तो फाइनली हम लोगों ने मज़ेदार सा कराची का जो है वो खाना खा लिया, अब मामा कह रही है कि स्ट्रीट फूड में, पता नहीं स्ट्रीट फूड में ही आता है, गोला गंडा फलूदा खाना है मम्मा, यहाँ का फलूदा चेक करते हैं ना कैसा है। खाना तो खैर बहुत मजे का था, गोला गंडा फलूदा भी खिला दो महनूर यार। चलो आज हम खाएंगे गोला गंडा फलूदा। ये हमारा मजेदार सा फलूदा आ गया, गोला गंडा तो नहीं, ये फलूदा। ध्यान से, कराची का मैंने सुना फलूदा भी बड़ा टेस्टी था, गाड़ी में ना कराना, टेस्ट करो और बताओ कैसा है। कैसा है? अब जो है मेरी बारी। हम लोग जो है थक टूट के रात के 1:30 बजे जो है वो होटल के रूम में वापस आ चुके हैं। अम्मा चाबी कहाँ है? चाबी याद है ना, दरवाजा खोलो और चलो, कराची घूम फिर लिया है ना, बहुत घूम लिया, बस कराची की जो है चलाओ, 3rd फ्लोर है। होटल के रूम में वापस आए हैं तो रूम का क्या हुआ है, मेकअप रूम को जो है ना इन्होंने सारा साफ कर दिया है, मेकअप शेकअप कर दिया है रूम का। ये जो है ना मामा ने सारी चीजें शॉपिंग में खरीदी हैं, ये अब जो है ना हम घर जाके जाहिर है खोलेंगे, अभी तो इस तरह पैक ही रहने देते हैं, इनको घर जाके खोलेंगे कि मामा ने क्या क्या लिया। उफ़ल्ला थक टूट गई, तो कौन सा तीर मारा। चलो तो यार फाइनली Day 2 जो है ना हमारा कराची में होता है खत्म, और बहुत नींद आ रही है, सोते वोते हैं। इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं खत्म, होप सो यू लाइक द व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।